क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत? आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको कुदरत, कुदरती रचना, कुदरत का कानून के बारे में बताते हैं कि किस तरीके से इस ब्रह्मांड का संचालन होता है, कौन संचालन करता है, कैसे संचालन करता है। इससे आपको यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य, सनातन सत्य मिलता है और उससे प्राप्ति होती है कि आपको सनातन सुख मिलता है। ब्लिश बोलते हैं, और एक बार किसी व्यक्ति को ब्लिश मिल जाती है तो उसको कोई भी कार्य करना शेष नहीं रहता है और उसको किसी प्रकार का दुख की अनुभूति होती नहीं, अक्षय सुख मिलता है। ये सारा कार्य हम अलग अलग विषयों, अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज हमारा बहुत प्रेरणादायक विषय है कि कल किसने देखा है। भाई और बहनों, क्या आपने कल देखा है? मैंने तो कल नहीं देखा है, क्योंकि कल कभी आता ही नहीं है। यस्टरडे हैज गॉन अवे, टुमारो नेवर एग्जिस्ट, द मोमेंट ऑफ द प्रेजेंट इज विद यू टू डू समथिंग। कि कल जो है, जो भूतकाल का कल बीत गया, भविष्यकाल का कल कभी आता नहीं है। वर्तमान का क्षण ही हमारे विकास के लिए, हमारे आत्म उत्थान के लिए और हमें कोई भी अच्छा कार्य करने के लिए केवल हमारे पास में वर्तमान का क्षण है। और ये वर्तमान का क्षण जब निकल जाता है तो ये भूत में चला जाता है और भविष्य कभी आता ही नहीं है। क्योंकि अगर हम आने वाले कल की बात करें तो आने वाले, जैसे कि आज तारीख जो है वो 23 तारीख है, तो कल 24 तारीख होगी। तो हम 24 तारीख, हम कहेंगे कल 24 तारीख है, तो जब हम कल पे आएंगे तो वो आज 24 तारीख हो जाएगी। तो इसका कहने का अर्थ है कल कभी आता ही नहीं है। इसीलिए इस भ्रम के अंदर कभी नहीं रहना चाहिए। कबीर दास जी ने बहुत सुंदर प्रेरणादायक बात कही है कि काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। यानी जो काम कल करना है वो आज कर लो, और वो आज इम्पोर्टेंट कार्य करना है उसको इसी क्षण कर डालो। शुभस्य शीघ्रम, जो अच्छा कार्य है उसको पेंडिंग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगली सांस आए या न आए, हमारी सांसें गिनती की है। हमारी सारी सांसों से हमारा आयुष्य कर्म जुड़ा हुआ है। सांसें जितनी भी हमारे को प्रभु ने या हमारे नाम कर्म ने दी है, जब सांसें समाप्त हो जाती है, यानी आयुष्य कर्म जब समाप्त हो जाता है तो राम नाम सत हो जाता है, और ये हमारा मिश्र चेतन जो है वो जड़ बन जाता है और हंसा उड़ जाता है। यानी जो कुछ हमें कराने वाला, मुझे बोला कौन रहा है, मैं हाथ हिला रहा हूँ, ये हाथ कौन हिला रहा है? तो ऐसा कोई तत्व है इस सब के पीछे जो कि हमें एनर्जी देता है, उत्साह देता है और गतिविधि करने के लिए सहयोग करता है। तो वो हमारा प्रभु है, वो हमारा भगवान है, वो हमारी आत्मा है, जो कि मूल रूप के अंदर, वो शुद्ध रूप के अंदर आत्मा। इसलिए कहा गया है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ मूल की दृष्टि से, वो हमें बनना है। हालांकि अभी हमारी आत्मा तो ये बॉन्डेड है, जो कि जो हमारा ये जो लिंग शरीर, कॉजल बॉडी और कर्म शरीर के साथ जुड़ी हुई है, इसीलिए बॉन्डेड आत्मा है। लेकिन इसका मूल स्वरूप है वो शुद्ध स्वरूप है, और मूल स्वरूप जो है हर प्राणी का, घोड़ा, गधा, ऊंट, गाय, भैंस, बैल, और राम का, कृष्ण का, महावीर का, 24 तीर्थों का, आज का, आपका, मेरा, सब का प्रभु एक सा ही है। उसमें कोई भेद नहीं है और वह शाश्वत है। भूत, भविष्य, वर्तमान में सब एक सा रहता है। तो फिर मैं विषमता, विभिन्नता क्यों दिखाई देती है? अपने अपने कर्मों के कारण दिखाई देती है। तो भाइयों, आज का जो विषय है कि कल किसने देखा है, इसको आप हृदयंगम करें, इसको आप आत्मसात करें, ये बहुत बड़ी प्रेरणा देने वाला है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि
इसका इसका हार्द क्या है? इसका हार्द ये है, मान लीजिए मेरे मन के अंदर भावना है कि मुझे लोक कल्याण के लिए जो है वो विद्यालय खोलना चाहिए या चिकित्सालय खोलना चाहिए या मुझे आत्म कल्याण करना चाहिए, मेरी आत्मा की जो अशुद्धि है इसको शुद्ध करना चाहिए, तो इन सब चीज़ों के पीछे मैं एक योजना बनाऊंगा, मैं एक लक्ष्य बनाऊंगा। तो कल किसने देखा ये भावना करने से हमारा लक्ष्य बनता है। लक्ष्य दो तरह के होते हैं, एक भौतिक लक्ष्य होता है और एक आध्यात्मिक लक्ष्य होता है। आध्यात्मिक लक्ष्य के अंदर आप स्वतंत्र हो, क्योंकि आध्यात्मिक लक्ष्य का संबंध चेतना से है और चेतना पर कुदरत का कानून लागू नहीं होता है, कुदरती रचना लागू नहीं होती है, वो तो स्वयं अपने आप में सनातन है, उस पर कोई कानून लागू नहीं होता है। यानी भीतर जो प्रभु बैठा है वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। स्वतंत्र होने का मतलब उच्छंगल नहीं है, स्वतंत्र किस तरीके से है कि हमारा भीतर प्रभु बैठा है। तो आप स्मरण कीजिए कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है, और इस प्रभु की क्या रचना है, ये प्रभु के क्या गुण है, ये ज्ञाता है, ये दृष्टा है, ये जानने वाला है, ये देखने वाला है, ये अनंत ज्ञान वाला है, ये अनंत दर्शन वाला है, ये अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम ब्लिश वाला है। ये अजन्मा है, ये अजन्मा है और ये जो है सूक्ष्म है, मन वचन का ऐसे मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। असंख्य असंख्य इसके गुण हैं, जितनी जितनी इन गुणों की भजना करेंगे त्यों ही हमारा जो आत्मभाव है, हमारा आत्मरमण है, वह पुष्ट होता जाएगा और हम अपने आप की पहचान करना चालू कर लेंगे। दुनिया में सबसे कठिन कार्य है अपनी पहचान करना। हम दुनिया को बहुत जानते हैं, हम गूगल खोल करके बता देते हैं, कोई भी शब्द हमें कहता है कि आप विश्वविद्यालय के बारे में बताइए, तो विश्वविद्यालय जो गूगल के अंदर डाला तो बहुत से आर्टिकल, बहुत से पर्यायवाची और बहुत से उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाती है और हम कहते हैं कि हम तो बहुत ज्ञानी पुरुष हैं। तो प्रश्न ये है कि वह तो वह ज्ञान है, पर ज्ञान है वो, हमारा स्व ज्ञान नहीं है, हमें स्व ज्ञान करना है। दुनिया के अंदर बहुत सी विद्याएं हैं, जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, भूगोल है, खगोल है और हमारा होम साइंस है, मैथमेटिक्स है और बायोलॉजी, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है और उसके बाद के अंदर जो है बहुत सी ट्रिग्नोमेट्री है, यानी बहुत सी सैकड़ों सैकड़ों विद्याएं हैं। और अभी साइंस के विकास से तो एक एक विद्या की जो सैकड़ों नई विद्याएं डेवलप हो गई है। एक इंजीनियरिंग पहले लिमिटेड दो चार तरह की इंजीनियरिंग हुआ करती थी, आज सैकड़ों तरह की इंजीनियरिंग की ब्रांचेज उपलब्ध है, क्योंकि विज्ञान ने तरक्की की है। तो इसलिए भाई और बहनों, ये सब भौतिक विद्याएं हैं, मैं जो बात कर रहा हूँ आध्यात्मिक विद्या की बात करता हूँ। जे एगे जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने से एगे जाने, जे पिंडे ते ब्रह्मांडे, जे ब्रह्मांडे ते पिंडे, यानी जिसने एक को जान लिया सब को जान लिया और जिसने सब को जान लिया वो एक के अंदर समाहित हो गया। ये हमारा जो पिंड है वह पूरे ब्रह्मांड का प्रतिनिधित्व करता है, उसका ये कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, आप इसकी पहचान करो ब्रह्मांड की पहचान हो जाएगी, एक प्रतिनिधि रूप के अंदर कार्य करता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो ये कल किसने देखा है, इतना बड़ा मोटिवेशनल जो सूत्र है कि इसकी आप गहराई में जाकर के देखोगे तो आपके मन के अंदर ये अभिलाषा खड़ी होगी कि मुझे जो बहुत अच्छे अच्छे कार्य करने हैं मेरे जीवन के अंदर, असाइनमेंट ऑफ प्रायोरिटीज हो जाएगी। ये सबसे बड़ा हमको लाभ क्या देता कि असाइनमेंट ऑफ द प्रायोरिटीज, असाइनमेंट प्रायोरिटी होती है, एक काम होता है आज का, एक कल का, एक सप्ताह भर का, एक महीने भर का और एक साल भर का होता है। तो हम हर इम्पोर्टेंट काम जो आज का है उसको फर्स्ट प्रायोरिटी देके उसको पूरा कर देते हैं, और यही इसी की मंशा है सबसे बड़ी। अब मैं भौतिक जगत की बात करूं तो देखिए, भौतिक जगत के अंदर कोई व्यक्ति जो है, मान लीजिए स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट जो है उसके पास में कोर्स है, उसके पास में सिलेबस है, तो वो सिलेबस उसको पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीज़ को गहराई में जाके पढ़ना पड़ेगा। और साइंस का स्टूडेंट है तो फॉर्मूले करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करनी पड़ेंगे, समीकरण करने पड़ेंगे, उसको जो है फॉर्मूले समझने पड़ेंगे। तो जब हम
जो काम हमें 10 दिन के बाद करना है या 10 दिन के अंदर करना है, वो काम हम आज ही क्यों नहीं कर लें। प्राय होता क्या है कि बहुत से जो इस मानसिकता के लोग होते हैं कि आज करे सो काल कर और काल करे सो परसों और कल करे सो परसों, अभी तो बहुत पड़ी है, बहुत जीना है बरसों। ऐसा व्यक्ति सोचता है कि इतनी जल्दी क्या पड़ी है, कल कर लेना, कल कर लेना। ये हर इस मानसिकता के लोग होते हैं। देखिए, दो तरह की मानसिकता के लोग होते हैं, चाहे भौतिक जगत के हो, चाहे आध्यात्मिक जगत के हो, चाहे व्यवहार जगत के हो, चाहे निश्चय जगत के हो। जो मान लीजिए किसी भी कार्य को करने के अंदर आपको एक सप्ताह का समय दिया है, यानी मंडे मॉर्निंग से संडे इवनिंग तक वो कार्य करना है, लेकिन वापस नेक्स्ट मंडे को वह जो है डेट चली जाएगी और वह कार्य मान्य नहीं होगा, अस्वीकार्य होएगा जाएगा। तो अब हमको एक सप्ताह भर का टाइम है, मान लीजिए सप्ते भर के अंदर हमको एक जो है क्वेश्चन पेपर हल करके देना है। तो दो तरह के मानसिकता के लोग होते हैं। एक तो होता है कि कल किसने देखा है, तो वो क्या करेगा कि उसी क्षण उस जो है पेपर को करना चालू कर देगा, एक दिन में या दो दिन में उसको पूरा करके और वो रख देगा, वो टेंशन फ्री हो जाएगा। और कुछ इस मानसिकता के लोग होते हैं कि यार अभी तो सप्ताह पड़ा है, आज तो सोमवार है, मंगल को कर देंगे, मंगल आता तो बुध को करेंगे, गुरु को करेंगे, शुक्र को करेंगे। और फिर क्या होता है कि रविवार को बैठते हैं और अफरा तफरी के अंदर वो गलत सलत कर देते हैं, उनमें हड़बड़ाहट होती है। और ये हड़बड़ाहट सबसे बुरी चीज़ है। जो लोग सिस्टमेटिक काम नहीं करते हैं, समय का सदुपयोग नहीं करते हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं करते हैं, वो लोग हड़बड़ाहट में जाते हैं। और ये हड़बड़ाहट बहुत ही दुखों और तकलीफों का कारण होती है। कैसे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। मान लीजिए कि आपको जो है आपके ऑफिस के अंदर करेक्ट 10 बजे पहुँचना है और 10 बजे बहुत से VIP आने वाले हैं आपसे वार्तालाप करने के लिए, आप 10:30 बजे जा रहे हो और वो लोग सब आ जाते हैं, तो आपकी कितनी बड़ी इंसल्ट होती है। और आप गए लेकिन आप समय पे नहीं गए, आप 10:05 पहले चले गए, और तो वो लोग वो देखेंगे कि भाई हमको ऑनर करने वाला, हमको एंटरटेन करने वाला मालिक जिससे मिलने आए हैं वो ऑलरेडी हाजिर है, तो आपका बहुत बड़ा इम्प्रेशन बनता है। यानी टाइम की पंक्चुअलिटी एक बहुत बड़ा गुण है, टाइम मैनेजमेंट इज ए बिग क्वालिटी। इसीलिए जिसने समय को पहचान लिया उसने अपने जीवन को पहचान लिया, अपने प्रकृति को पहचान लिया। समय बड़ा बहुमूल्य होता है और समय जो है ही सब कुछ करवाता है। तो इसलिए कहा गया है कि तुलसी नर का क्या बड़ा और समय बड़ा बलवान, काबा लूटी गोपियां और वही अर्जुन वही बाण। देखिए, व्यक्ति का समय होता है, समय मतलब पुण्योदय भाग्योदय होता है, तो चहु ओर से जो है उस व्यक्ति को शाबाशी मिलती है, उस व्यक्ति को जो ऐश्वर्य मिलता है, उस व्यक्ति को प्रतिष्ठा मिलती है। और जब समय खराब आता है तो इसका विपरीत होता है। देखिए, अर्जुन का जो गांडीव धनुष जो है उसकी टंकार इतनी भयंकर होती थी कि देवता मनुष्य और सभी पशु पक्षी सब घबराते थे, इतनी बड़ी उसकी टंकार जो थी, तो उसका भय था। लेकिन वो कब था भय, जब उसका पुण्योदय था। एक समय अर्जुन का ऐसा भी आया कि उसका पापोदय हो गया तो उसका गांडीव धनुष कुछ नहीं करता कर सका, और जो है वो उसकी जो प्रिय गोपियां थी, उसके प्रिय जो साथी थे, उन सब को मीणा लोगों ने लूट लिया, क्योंकि समय सही नहीं था। तो इसीलिए समय आता रहता है, जाता रहता है। हमारा समय अच्छा है तो हम उसका सदुपयोग क्यों ना करें। और सदुपयोग कब किया जाएगा, जबकि आपकी हैबिट बन जानी चाहिए, आपकी जो है लाइफ स्टाइल का एक अंग बन जाना चाहिए कि मुझे हर काम समय पर करना है और मुझे ऐसा व्यक्तित्व बनाना है कि 7 दिन का टाइम दिया है तो पहले दिन दूसरे दिन ही वह फर्स्ट प्रायोरिटी का काम जो है मैं समाप्त कर दूँ। और सबसे बड़ी टाइम मैनेजमेंट के अंदर, जैसे मैंने बताया, क्वालिटी होनी चाहिए, असाइनमेंट ऑफ द प्रायोरिटीज़ आप पेपर पर लिखिए,
एक काम, दो काम, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, दस काम, फिर जो है उसकी प्रायोरिटी असाइन कीजिए। ये मोस्ट अर्जेंट वाला है वो 10 नंबर पे उसको पहले नंबर पे ले आइए, फिर उससे सेकंड प्रायोरिटी का है वो 8 नंबर पे उसको दूसरे पे ले आइए। इस तरीके से प्रायोरिटी का असाइनमेंट कीजिए और एक एक काम वो पेपर पे लिख करके और एक एक काम आप करते जाइए, और दिन के अंदर जो आपको 10 कार्य करने उसमें से 8 भी आप संपन्न कर दो। हो सकता है समय नहीं मिलता हो, क्योंकि भगवान ने, ईश्वर ने सबको टाइम 24 घंटे का ही दिया है, 25 घंटे किसी को नहीं दिया है, और 25 घंटे में वो अधिकतम भी अगर रूटीन से कार्य करे तो 12 घंटे से कार्य ज़्यादा नहीं कर सके। एक दिन वो 18 घंटे कर देगा तो दूसरे दिन उसका नींद का कोटा पूरा नहीं होने के कारण जो है वो बीमार पड़ जाएगा और अस्त व्यस्त हो जाएगा। इसीलिए एक दिन में 12 घंटे काम करने का बहुत होता है, उतना ही करना चाहिए, क्योंकि एक दिन काम नहीं करना है, हमें काम जीवन भर करना है। और ये तो विधान प्रकृति का है, ये विधान तो कुदरत का है कि रात 12 घंटे की होती है और दिन 12 घंटे का होता है। दिन है दबाकर काम करने के लिए होता है और रात जो है विश्राम करने के लिए होता है। जब हम काम करते हैं तो हमारे सारे टिश्यूज में, ऑर्गन्स के अंदर, कोशिकाओं के अंदर और बॉडी के सिस्टम के अंदर जो है वियर टीयर होती है, टूट फूट होती है। उस टूट फूट को ठीक करने के लिए प्रकृति ने जो है हमको एक बहुत बड़ा साधन दिया, निद्रा, योग निद्रा। हम योग निद्रा में जाके चले जाते हैं, यानी सोने के समय केवल सोना। बहुत से लोग क्या करते हैं कि जब बिस्तर पर जाते हैं तो अपने जीवन भर की तकलीफें या दिन भर की जो टेंशन के काम, महीने भर के टेंशन काम दिमाग के अंदर याद करते हैं। अब वो तो उसको तो सोना है, वो याद करके क्या काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन याद रखते हैं, यूं करते करते उसको नींद बहुत लेट आती है और पूरी नींद न होने के कारण उसका जो है अगला दिन अस्त व्यस्त हो जाता है। तो कुल मिलाकर के भाई और बहनों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि क्षणम जानाई पंडिये, कि पंडित वही है जो कि समय का आदर करे, क्योंकि समय किसी का इंतजार नहीं करता, व्यक्ति को समय का इंतजार करना पड़ता है। ऐसा कहा जाता है कि भाग्य ने दरवाजा खटखटाया, और हर व्यक्ति का भाग्य जो है 2-3 बार लाइफ के अंदर दरवाजा खटखटाता। नॉर्मली हमने देखा लगभग व्यक्ति 40 साल की उम्र में होता है तब उसका भाग्योदय होता है, और वो 10 साल तक भाग्योदय चलता है, और 10 साल में वो पूरे 100 साल का अपना काम जो है कर लेता। उस पुण्योदय के अंदर सब काम ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, क्योंकि आगे वो पुण्योदय रहे या ना रहे। तो हम ये क्या कहना चाहते हैं कि कल किसने देखा है, ये टाइम मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ विषय है। हर कार्य को समयबद्ध होकर के करो। और दूसरा क्या, निशेष, जब आपने दिन भर में काम कर दिया तब आप विश्राम कीजिए। अब कुछ नहीं करना, आज का हमारा सब काम पूरा हो गया है, फिर कल नए सिरे से काम प्रारंभ कीजिए। भाई और बहनों, जो व्यक्ति इस मानसिकता के साथ, इस सूत्र के साथ चलता है कि कल किसने देखा है, वह कभी दुखी नहीं होता है, क्योंकि सब काम वो समय से संपन्न कर लेता है। और मैंने भौतिक जगत की बहुत बातें करी है, अब मैं थोड़ा आध्यात्म जगत की बात करूं कि कल किसने देखा है, इसके ऊपर कुछ आधारित चर्चा करना चाहूँगा। पहली चर्चा का मेरा विषय ये है कि हमको जो ये मानव जीवन मिला है ये सर्वोत्तम जीवन है। ऐसा बताया जाता है हमारे धार्मिक ग्रंथों के अंदर कि चार बातें अति दुर्लभ है। कौन कौन सी दुर्लभ है? पहली तो मानव जीवन का मिलना अति दुर्लभ है, और ये मानव जीवन मिल भी गया तो उसके बाद में ईश्वर भक्ति में रमण करना, ईश्वर को याद करना और ईश्वर के अंदर जो है वो खो जाना, ये दूसरा जो है हमारे जीवन का गुण है। और तीसरा जो है ईश्वर की जो भक्ति में विश्वास होना। आपने ईश्वर के बारे में जान तो लिया लेकिन आपको विश्वास नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो बिना श्रद्धा के फल नहीं मिलता है। और चौथी बात होता है कि ईश्वर की वाणी को, जिन वाणी को आत्मसात करना, अपने जीवन में उतारना। जिनको ये चारों बातें एकदम हृदयंगम रहती, आत्मसात होती है, तो वह व्यक्ति जो है
उसको कोई कष्ट नहीं होता और वो होलिस्टिक व्यक्ति होता है, वो टाइम का मैनेजमेंट करता है, सब काम समयबद्ध होकर के करता है और उसके साथ साथ के अंदर वो भीतरी जगत के जो हमारा रचना है, भीतरी जगत की रचना क्या है कि मेरी शुद्ध आत्मा को लिबरेट करना है, साल्वेशन इमानसिपेशन तक ले जाना है, ये मेरा टारगेट है। तो इस टारगेट में बाधा क्या है? इस टारगेट के अंदर बाधा है मेरा कॉजल बॉडी है, कर्म शरीर है, लिंग शरीर है, वो हमारा राग द्वेष है, हमारा कषाय है, हमारा क्रोध मान माया लोभ है, तो वही अज्ञान है और वही एक हर्डल है जो कि हमारे को साल्वेशन और इमानसिपेशन होने नहीं देता। इस वेल्डिंग को तोड़ना है, इस वेल्डिंग को तोड़ने के लिए मैं आपको तीन शब्द बताता हूँ। पहला तो होता अशुभ भाव। अशुभ भाव होता है हिंसा का भाव, घृणा का भाव, तृष्णा का भाव और इंद्रिय लोलुपता का भाव। नेगेटिव थॉट्स है वह हमारा अशुभ भाव है, उस तरफ तो हमें जाना ही नहीं है, वो खाना तो बंद कर दीजिए। और दूसरा हमारा शुभ भाव होता है। शुभ भाव जितने भी धार्मिक क्रियाएं होती है वो शुभ भाव को पैदा करने वाली होती है। समय कीजिए, त्याग कीजिए, मंदिर जाइए, किसी को से बुरा बर्ताव मत कीजिए और जो आगमों का अध्ययन कीजिए, सूत्रों को याद कीजिए, हृदयंगम करिए और उसको रटिए और उसका भाष्य समझिए, स्वाध्याय कीजिए। तो इस तरीके से जो है हर धार्मिक क्रिया है ये शुभ भाव है। लेकिन शुभ भाव से भी ऊपर एक शुद्ध भाव होता है। शुभ भाव में शुभ भाव अच्छा है और वो धार्मिक क्रिया है, लेकिन वो अपनी अपनी अलग अलग होती है। कोई जो है हिंदू, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, सिखिज़्म और दूसरा ज़ोरास्ट्रियन इस्लाम और सिखिज़्म और जैनिज़्म, क्रिश्चियनिटी, ये 8 तरह के मुख्य धर्म हैं। वो अपनी अपनी अवधारणाएं होती है, उसी के अनुसार वो रिचुअल्स करता है, क्रियाकांड करता है, वो अपनी अपनी नीति है, कुछ भी करिए, हर एक का अपना अपना ईश्वर है, उसकी हर एक की परिभाषा है। तो ये सारी धार्मिक प्रवृत्तियां हैं, ये हमें जो है वो शुभ भाव के अंतर्गत जो है पुण्य संचय करवाती है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो, देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम रूपांतरण का कार्यक्रम है, ये इंसान को बदलने का कार्यक्रम है। क्यों? कि इसके अंदर वो सूत्र दिए जाते हैं जिससे आप में बदलाव आता है, आपकी प्रकृति में भी बदलाव आता है, आपका भावनात्मक विकास आता होता है, आपके नेगेटिव सोच जो सोच है वो तिरोहित होकर के पॉजिटिव सोच बनती है। क्योंकि हमारा उद्देश्य है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, धर्ममय हो, आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामना। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत? आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य, मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।